अब बेटा बात करेंगे किसकी, हमारे शहरों की, जो सिटीज़ वगैरह होती हैं। अगर आप बाहर जाकर देखें तो आपको जो स्काई है वो ग्रेइश नज़र आएगा, ब्लूइश नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा हमारे एटमॉस्फेयर में जो सिटीज़ वगैरह, यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, फॉग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें जो क्लियर व्यू होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्काई है वो ब्लूइश नहीं, कैसा नज़र आता है, ग्रेइश नज़र आता है। ज़रा देखिए, अगर आप ये देखें सिटी का, मैंने एक पिक्चर ली है, यहाँ पर कलर बेटा कैसा नज़र आ रहा है, ग्रेइश नज़र आ रहा है, ब्लूइश नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप हिली स्टेशन में जाएँ, हिल स्टेशन टाइप में जाएँ, तो बेटा वहाँ पर आपको ब्लूइश कलर देखने को मिलेगा। अब ज़रा देखो इधर, दिस इज़ बिकॉज द स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमोसफियर ओवर सच सिटीज़ स्कैटर मेनली रेड। बेटा यहाँ पर जो रेड कलर है वो स्कैटर करता है, लेकिन फिर बात आती भाई फिर तो हमारे रेड कलर दिखना चाहिए। लेकिन बेटा ये हमारा अर्थ है, ये हमारा सन है, तो रेड कलर जब बहुत दूर जाएगा, जब स्कैटर करेगा तो बहुत दूर चला जाता है, और हमारी आइज में बेटा कैसा एंटर करता है, ब्लूइश इंडिगो वगैरह। लेकिन यहाँ पर बेटा डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, यहाँ पर ब्लूइश इंडिगो और जो वॉयलेट है उसको ना के बराबर स्कैटर करता है। अभी हमने पीछे देखा था, अगर वेवलेंथ और डस्ट पार्टिकल का साइज बराबर आ जाए तो वो रेडिश कलर को ही ज़्यादा स्कैटर करेगा। तो यहाँ पर बाकी कलर्स स्कैटर ना के बराबर हो रहे हैं, सब कुछ कैसा है बेटा, रेडिश और येल्लोइश। अब ज़रा देखिए सच मेनली रेड ऑरेंज एंड येल्लो कलर मोर देन दी अदर कलर्स ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ। मतलब सबसे ज़्यादा कौन कौन से स्कैटर करेंगे, ऑब्वियसली जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, ऑरेंज की वेवलेंथ ज़्यादा है और येल्लो की वेवलेंथ ज़्यादा है, तो यही वाले कलर जो है वो स्कैटर करेंगे। जैसे कि देखो मैंने आपके लिए एक वीडियो भी चला दी, चल जा भाई, ये देखो कलर बेटा आपको कैसा नज़र आ रहा है, ग्रेइश है, कोई बात नहीं, ये बेटा आपको ग्रेइश नज़र आ रहा है, आपको ब्लूइश नज़र नहीं आ रहा। ये तो ये जो वीडियो है ये किसकी है बेटा, ये किसी सिटी की है, जिसकी वजह से स्काई जो है वो ग्रेइश नज़र आ रहा है। अब ज़रा देखिए इधर, वीडियो चलने तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन दीज कलर्स कंबाइंड दे गिव शेड ऑफ ग्रे कलर। बेटा जब रेड कलर, ऑरेंज कलर और येल्लो कलर को मिक्स कर दिया जाए तो वो किस कलर का शेड देते हैं, ग्रेइश कलर का शेड देते हैं, और इसी वजह से आपको सब कुछ ग्रेइश नज़र आता है। समझ में आ रही बात है नहीं? तो ये सारे के सारे रीजंस हैं कि सिटीज़ में ऐसा क्यों होता है। अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उस पर ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। स्काई वुड अपीयर ब्लैक, ये बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट ना होती तो हमारा स्काई कैसा नज़र आता, ठीक है। तो स्काई वुड अपीयर्स ब्लैक इन डे इफ अर्थ हैड नो एटमोसफियर। अगर बेटा अर्थ पे कोई एटमोसफियर ना होता तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से सब कुछ आपको ब्लैकिश नज़र आता, ठीक है। जैसा स्पेस की आपने पिक्चर्स देखी हो सब कुछ ब्लैक ब्लैक नज़र आता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर एटमोसफेयर ही नहीं, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज नो स्कैटर प्रेजेंट इन दी एटमोसफियर, फिर बेटा कोई भी स्कैटर प्रेजेंट ही नहीं होते, तो देखो बेटा सब कुछ ऐसा नज़र आता ब्लैकिश, कुछ भी आसपास नज़र नहीं आता, सब ब्लैक ब्लैक, ठीक है। सो द स्काई अपीयर्स डार्क फॉर एस्ट्रोनॉट्स फॉर फार फ्रॉम द एटमोसफियर ऑफ द अर्थ। तो बेटा अगर आप स्पेस में चले जाएंगे तो सब कुछ आपको कैसा नज़र आएगा, ब्लैकिश नज़र आएगा, और वही एस्ट्रोनॉट्स के साथ होता है, ठीक है। अगर आपने पिक्चर्स वगैरह भी देखी हो स्पेस की तो सब कुछ ब्लैक दिखाई देता है। दिस इज बिकॉज नो स्कैटरिंग प्रेजेंट इन स्पेस, ठीक है। अभी तो देखिए, व्हेन द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर सनलाइट वुड बी विजिबल ओनली इफ लुक डायरेक्टली टूवर्ड्स द सन। अगर हम सन की तरफ देखेंगे तब तो हमें सन नज़र आएगा, बाकी हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ऐसे ही अगर आप डायरेक्टली मून को देखोगे तो मून तो नज़र आएगा, बाकी कुछ भी नज़र नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इधर देखिए, इवन द स्टार्स विल बी विजिबल इन डे टाइम। तो बेटा डे टाइम में सिर्फ स्टार्स, जो मतलब जिन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट सिर्फ नज़र आएंगे, बाकी कुछ भी नज़र नहीं आएगा। भाई मून तो नॉन ल्यूमिनस है, लेकिन बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये देखा जा सकता है। फिर क्या होगा बेटा,
कैट ऐसी नजर आया करेंगे बैठी हुई, हैं मून होगा, और अगर कहीं हमारी शेडो दिख गई तब कैट दिखेंगी, वरना कैट नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वो सब कुछ कैसा हो जाएगा, ब्लैक। ठीक है, आई थिंक खत्म हो गया। हाँ जी बेटा, इसी के साथ बेटा हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है। जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे उससे ज़्यादा ही डिटेल में सब कुछ करा दिया गया है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स और इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, प्लीज़ नोट इट डाउन।